नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस बार 18 मई को बहुत दिनों के बाद ऐसा संयोग आ रहा है, बस ये उपाय कर लें, आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी। सनातन धर्म में ज्योतिष गणना, शुभ मुहूर्त और विशेष दिन जैसे पूर्णिमा और अमावस्या का विशेष ध्यान दिया जाता है। बैसाख मास की पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा को एक साथ मनाए जाने की परंपरा है। इस बार 18 मई की बैसाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा पर बहुत दिनों बाद शुभ संयोग बन रहा है। बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के अवतार गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ज्योतिष के नजरिए से इस साल की बुद्ध पूर्णिमा को बहुत ही शुभ माना जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सम सप्तक राजयोग बन रहा है। इस दिन स्वामी देव गुरु बृहस्पति व नवग्रह के राजा सूर्यदेव आमने सामने रहेंगे। इस कारण सूर्य व गुरु का सम सप्तक राजयोग बनेगा। सम सप्तक राजयोग बनने से इस दिन सभी कार्यों में स्थायित्व के साथ उन्नति से भरपूर रहेगा। 18 मई को सम सप्तक राजयोग बनने से सभी तरह के कार्यों में व्यक्ति को सफलता मिलने के बाद जीवन में उन्नति होगी। इस दिन भूमि, मकान, वाहन खरीदना, पदभार ग्रहण करना और नए व्यापार व्यवसाय का शुभारंभ करना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है और बहुत अधिक मंगलकारी होता है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करने से चारों तरफ से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। सम सप्तक राजयोग के चलते यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। दोस्तों, पूर्णिमा पर कुछ उपाय हम आपको बता रहे हैं जिसको करने से जीवन में तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। चंद्रमा को शीतलता का प्रतीक माना गया है, इसलिए योग में दूध और शहद के उपाय से धन, मान और सम्मान में बढ़ोतरी होती है। पूर्णिमा तिथि पर सुबह के समय स्नान के बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद दिन भर अपने मन में इस मंत्र का जप जरूर करते रहें। मंत्र इस प्रकार है, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का जप पूरे दिन अपने मन में इस दिन करते रहें। पूर्णिमा की रात को कच्चे दूध में पूजा के उपयोग में लाने वाले शहद और चंदन को मिलाकर उसमें अपनी छाया देखें, फिर चंद्रमा को अर्घ्य दें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का अंत हो जाता है और जीवन में सुख, समृद्धि और कभी भी धन की कमी नहीं होती और सुख समृद्धि व्यक्ति के जीवन में खूब सारी बढ़ जाती है दोस्तों। और व्यक्ति को कभी भी किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं हो पाती, क्योंकि ये दिन बहुत ही दिनों बाद आ रहा है। तो आप इस शुभ संयोग में ये उपाय जरूर कर लें। यह उपाय कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार आप इसको जरूर करके देखें। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।